नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजी और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। नवरात्रि के साथ ही त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। त्योहारों के इस मौसम में बंगाली परिधान की फील अभी से आने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवरात्रि में आपने अक्सर बंगाली महिलाओं को सफेद और लाल साड़ी पहने हुए देखा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ये दोनों रंग ही क्यों चुने जाते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि बंगाली महिलाएं दुर्गा पूजा पर लाल और सफेद रंग की साड़ी क्यों पहनती हैं। चलिए जानते हैं बंगाली महिलाएं क्यों पहनती हैं लाल और सफेद रंग की साड़ी। खासकर अष्टमी का दिन माँ दुर्गा के लिए समर्पित होता है। इस दिन बंगाल में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। साथ ही बंगाली महिलाएं लाल और सफेद रंग की साड़ी में सज धज कर बाहर निकलती हैं। हालांकि आपने भी ढोल की आवाज और गानों की धुन में आपने दुर्गा के पंडाल को अक्सर महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखा होगा। बंगाली औरतों के लिए ये साड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ मानी जाती है, जिसकी खरीदारी वो काफी दिनों पहले से ही शुरू कर देती है। ये साड़ी बंगाल की शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। बंगाल की लाल सफेद रंग की साड़ी खास कपड़े की बनी होती है। उस साड़ी को जानमादी कहते हैं। जामदानी साड़ी को हाथ से बुनकर तैयार किया जाता है। ये साड़ी कॉटन और सिल्क की बनाई जाती है। इस साड़ी की खासियत ये है कि ये बेहद हल्की होती है, जो बंगाल के नमी वाले मौसम में सही मानी जाती है। एक मान्यता के अनुसार लाल रंग की शादीशुदा औरतों का प्रतीक माना जाता है और सफ़ेद चूड़ियाँ जैसे शाखा और लाल चूड़ियाँ जैसे पोला भी कहा जाता है, जिसे लाल सिंदूर के साथ पहना जाता है। लाल रंग को इतना महत्व इससे दिया जाता है क्योंकि इस रंग का माँ दुर्गा के साथ खास कनेक्शन है। कहते हैं हर एक रंग का गहरा मतलब होता है और सफ़ेद और लाल रंग अपने ही में बहुत पावन होता है। इसलिए बंगाली महिलाएँ लाल और सफ़ेद रंग की साड़ी माँ दुर्गा की पहनती हैं।